देख लो, दिस इज डेटा। व्हाट इज डेटा? कोई बता सकते हैं कि डेटा किसे कहते हैं? जी आप बताओ, डेटा क्या है? व्हाट इज डेटा? हम बोलते हैं इस बंदे का डेटा निकाल दो। मैं बताऊंगा। जी जी बताओ। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग इज कॉल्ड डेटा। इसको हम डेटा कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी जो है हमारे पास, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। वन इज क्वालिटेटिव, द सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा हम उसको कहते हैं जिसमें हम क्वालिटी को इंश्योर करते हैं, क्वांटिटी में जिसमें हम न्यूमेरिकल यूज़ करते हैं, नंबर्स यूज़ करते हैं। वन इज डिस्क्रीट डेटा किसे कहते हैं, ये सारे उसमें फर्दर स्लाइड में आप लोगों के साथ वो डिटेल से बयान किए गए कि इसको क्या कहते हैं। कंटिन्यूस डेटा किसे कहते हैं, प्राइमरी डेटा किसे कहते हैं, सेकेंडरी डेटा किसे कहते हैं, नोमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा किसे कहते हैं। दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ व्हाट डेटा। डिस्क्रीट डेटा किसे कहते हैं, डिस्क्रीट डेटा इज हियर वी ऑलवेज गेट अ होल नंबर, जिसमें हमारे पास होल नंबर, आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, होल नंबर किसे कहते हैं, जो जीरो से मतलब होल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो एक कांस्टेंट नंबर हम रखते हैं। ठीक है, सही है। होल नंबर किस से स्टार्ट हो जाती है? एनी वन नंबर। सही है, जीरो से स्टार्ट हो जाती है, होल नंबर है। जैसे नंबर ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ बेड्स ऑफ हॉस्पिटल जो है ये डिस्क्रीट डेटा है। सही है, यानी वो चार भी हो सकते हैं, वो पाँच भी हो सकते हैं, वो ज़ीरो भी हो सकते हैं। सही है, इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल हो गया, फिर मलेरिया केसेस, मलेरिया जो है 2.5 केसेस नहीं हो सकते हैं। इसमें हमेशा तौर पे जो डिस्क्रीट डेटा है इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होता है। सही है, जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होते इसमें कम्प्लीटली होता है। मलेरिया के केसेस जो होते हैं वो चार हो सकते हैं, वो पाँच होंगे। सही है, इसी तरह एज जो है, एज में फ्रैक्शन आ सकता है। तो डिस्क्रीट में क्या कहते हैं, डिस्क्रीट में हमारे पास नंबर जो है वो पूरे पूरे होते हैं। जैसे क्लास में कितने नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ द स्टूडेंट जो है वो डिस्क्रीट डेटा है, क्योंकि नंबर ऑफ द स्टूडेंट जो है हम 1.5 या 5.5 नहीं बता सकते, 6 है, 10 है, इस तरह। दिस इज नोन एज डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा। द सेकंड वन इज कंटिन्यूस डेटा, इट कैन टेक एनी वैल्यू पॉसिबल टू मेजर और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फ्रैक्शन। इसमें फ्रैक्शन आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, टेम्परेचर 99.5 भी आ सकता है, टेम्परेचर 99.6 भी आ सकते हैं। इसी तरह हाइट, हाइट जो है इस, फॉर एग्जाम्पल इस बंदे का हाइट जो है वो 4 feet है, इसका जो है वो 6.5 हो सकता है। तो दिस इज व्हाट, जिसमें फ्रैक्शन आ जाए इसको हम कंटिन्यूस डेटा कहते हैं, कंटिन्यूस। सही है, बीपी ब्लड प्रेशर जो है 120/125/80 हो सकते हैं, 125.5 अगर डिजिटल से देखते हो तो 0.5 हम वो कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्यूरेसी नहीं रहती, चेंजेबल होती है, वो कंटिन्यूस डेटा होती है। इसमें एज जो है, एज इज द कंटिन्यू या डिस्क्रीट है? एज, एज इज डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट नहीं है। एज जो है 5.5 भी हो सकते हैं भाई। सही है, इसमें हमारे पास वो कंटिन्यूस डेटा है, वो कंटिन्यूस डेटा है जिसमें एज आ सकते हैं। सही है, इसी तरह नंबर ऑफ केसेस, हमने बताया कि नंबर ऑफ केसेस इज द डिस्क्रीट, जिसमें 0.55 नहीं हो सकते, वो कंप्लीट आ सकते हैं। ये हमारे पास दो डेटा हो गई। इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं प्राइमरी डेटा। ये तो जनरल हो गया, हमने किसी ज़माने में प्राइमरी प्रिवेंशन पढ़ा था। प्राइमरी डेटा इज ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम एन इंडिविजुअल। मैं इंडिविजुअल से डायरेक्टली कोई डेटा लेता हूँ, कोई मालूम लेता हूँ, इसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई गिव प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। सही है, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? प्रिसाइज इंफॉर्मेशन क्या मतलब? शॉर्ट इंफॉर्मेशन है। मैं इसको फॉर एग्जाम्पल ये बता देता हूँ कि सुबह आपने क्या कहा है, कहाँ थे भाई, ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। लेकिन हमारे पास एक दूसरे डेटा जिसको हम सेकंडरी ऑब्टेन फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स। मेन ये मैं इसे पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ पे था भाई, ये क्या बोल रहा था हमारे खिलाफ। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सेकेंडरी डेटा हमारे पास आ जाते हैं। हम दूसरे पर्सन को यूज़ करते हैं किसी के बारे में। डेटा ऑब्टेन फ्रॉम हॉस्पिटल रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल मैं इसका डेटा जो है हॉस्पिटल रिकॉर्ड से बोलता हूँ कि इसका सीबीसी का क्या था, सीबीसी से मैं फाइंडिंग करता हूँ, इससे नहीं पूछता हूँ। सही है, इसका जो सारा ब्लड केसेस है उसको देख के इसका डेटा मैं लेता हूँ, फ्रॉम डायरेक्ट सोर्स से नहीं, इनडायरेक्ट सोर्स यूज़ करता हूँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा कहते हैं। नोमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द इंफॉर्मेशन और डेटा फिट्स इन वन ऑफ द कैटेगरीज, बट द कैटेगरीज कैन नॉट बी ऑर्डर्स वन अबाउ इन अदर। इसमें कोई ऑर्डर नहीं होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होते हैं, बल्कि वो नोमिनल होते हैं। जैसे कलर्स ऑफ द आइज,
किसी का ब्लैक हो सकता है, किसी का ब्राउन हो सकता है, किसी के ब्लू हो सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट कलर ऑफ द आइज और रेस सेक्स मीन क्या है, मेल है फीमेल है। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कोई मुकाबला नहीं होता है। तो दिस इज़ नॉमिनल टाइप ऑफ डेटा हम इसको कहते हैं। द लास्ट वन इज़ ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा में क्या होता है, ऑर्डर होते हैं, यानी रैंकिंग सिस्टम जिसका 4GPA है, किसी का 3.8 है, किसी का 3.9 है। ये तो एक तरफ से 3.8, 3.9, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द कंटिन्यूस टाइप ऑफ डेटा। लेकिन कंटिन्यूस टाइप ऑफ डेटा में कौन सा डेटा आ जाते हैं, ऑर्डिनल डेटा आ जाता है, क्योंकि वो रैंकिंग सिस्टम आ जाते हैं इसमें, लेकर रैंकिंग इन द क्लास इन एग्जाम। और कोई मिसाल दे सकते हो, रैंकिंग तो हो गया, रैंकिंग सिस्टम हो गया, ऑर्डिनल डेटा की कोई और मिसाल दे सकते हैं, गुड बैड? नहीं सर, गुड बैड नहीं, मेजर जो डेटा है ऑर्डिनल का जो एग्जांपल है। हाँ, हम सर्वे करते हैं, सर्वे में हम डिफरेंट एरिया से डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर इसको हम वो ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज के बाद हम उसको कैटेगोरिकल डेटा वो करवाते हैं। सही है, सही है। और कोई मिसाल दे सकते हो ऑर्डिनल डेटा की? सही है, ये समराइज नहीं कर रहे हैं, ये मुश्किल बना रहे हैं। तो ऑर्डिनल डेटा में हमेशा ऑर्डर्स होते हैं, मुकाबला होता है। सही है, ये हमारे पास दीज आर टाइप्स है। फिर टाइप्स ऑफ डेटा में हमारे पास क्वालिटेटिव, जिसमें क्वालिटी के बारे में बातचीत होती है, इन सेंटेंस फॉर्म में होते हैं। आल्सो कॉल्ड एन एनुमरेशन डेटा रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, जो क्वालिटी को शो करते हैं। देयर इज नो नोशन ऑफ मैग्नीट्यूड और साइज ऑफ द करेक्ट, इसमें करेक्टरिस्टिक्स का कोई साइज या कोई नंबर नहीं मौजूद होते हैं। एज दे कैन नॉट बी मेजर एंड एक्सप्रेस एज द नंबर, हम इसको नंबर में एक्सप्रेस, जैसे रिलीजन है, रिलीजन एज अ क्वालिटी है। सही है, इससे मेल फीमेल ब्लड ग्रुप्स हैं, ए ग्रुप है, ए बी ग्रुप है, तो क्वालिटी है, इसमें कोई नंबर्स नहीं है। फिर हमारे पास क्वान्टिटेटिव डेटा है। वट आर क्वान्टिटेटिव डेटा? क्वांटिटेटिव डेटा आर दोज टाइप ऑफ डेटा जिसमें हम क्वांटिटी शो करते हैं, जिसमें हम न्यूमेरिकल डेटा शो करते हैं, नंबर्स शो करते हैं, इसको हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। दीज आर द ऑर्गेनाइज, दीज हमारे पास लर्निंग सिस्टम जो ये हैं, आप लोगों के जो पेपर से रिलेटेड आएंगे कि कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, क्वालिटी डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल डेटा। तो जस्ट एज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ सकते हो, पढ़ लेना। एंड दीज आर द SPSS बेस होगा कि फ्रिक्वेंसी टेबल हम कैसे बनाते हैं, फ्रिक्वेंसी हिस्टोग्राम को हम SPSS से कैसे निकालेंगे, पॉलीगॉन कैसे, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले को हम नहीं पढ़ेंगे, बॉक्स प्लॉट को भी नहीं पढ़ेंगे, स्केटर प्लॉट आपको बता देंगे। देखो फ्रिक्वेंसी टेबल, हाउ टू मेक अ टेबल, टेबल को कैसे बनाया जाता है। दीज आर द स्टडी ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिलीज, फैमिलीज में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, सही है 30 है। तो कैसे है, देखो हम इसको कैसे SPSS बेस पे करते हैं। अभी ये दूसरा है, पेशेंट्स एडमिटेड इन टीचिंग हॉस्पिटल ड्यूरिंग, हमारे पास कुछ पेशेंट्स हैं ड्यूरिंग 1999 में मेडिकल वार्ड में 600 लोग आए थे। सही है, सर्जिकल वार्ड में 450 आए थे 1999 के डेटा में बता रहा हूँ, जबकि ऑब्स्ट्रक्टिव गायनी में कितने 400 आए थे, जबकि फील्ड्स में 55, टोटल 2000 पेशेंट आए थे 1999 में, जबकि हमारे पास इन 2000 में हमारे पास नंबर ऑफ एडमिटेड पेशेंट जो है वो कितने आए थे टीचिंग हॉस्पिटल, 700 मेडिकल वार्ड में आए थे, सर्जिकल वार्ड में 550, ऑब्स्ट्रक्टिव गायनी में 500, फील्ड्स में 750। ये है, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा टारगेट जो है, हाउ टू मेक द फ्रिक्वेंसी टेबल। तो फ्रिक्वेंसी टेबल, ये डेटा दोबारा आ गया है, इस जैसे टेबल हम कैसे बनाएंगे। तो कैसे के लिए हम यहाँ पर आपको जवाब देते हैं, हाउ टू मेक द SPSS बेस पे, क्योंकि मैंने डेटा पहले से आप लोगों के लिए एंट्री कर दिए हैं। मकसद ये है, देखो थोड़ा